क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस, IPL 2018 का सातवां मैच एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच रहा। जी हाँ, जहाँ एक तरफ मुंबई इंडियंस की खराब बल्लेबाजी के चलते उन्होंने अपने 20 ओवर में मात्र 147 रन बनाए, तो वहीं जब जीत के लिए हैदराबाद की टीम ने बल्लेबाजी शुरू की तो उनके भी पसीने छूट गए। और जहां एक समय ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद ये मैच आसानी से जीत जाएगी, तो आखिरी ओवर आते आते लगने लगा कि शायद अब ये मैच सुपर ओवर में जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं कैसा रहा सनराइजर्स हैदराबाद की जीत का आखिरी ओवर। सनराइजर्स हैदराबाद को 6 बॉलों पे 11 रन चाहिए थे जीतने के लिए, और मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने आखिरी ओवर डालने के लिए गेंद दी बेन कटिंग्स को, लेकिन आखिरी ओवर की शुरुआत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही मुंबई इंडियंस के लिए। दीपक हुड्डा ने पहली गेंद पर ही उठाकर एक जोरदार छक्का मार दिया और अब 5 गेंदों पे 5 रन की आवश्यकता थी सनराइजर्स हैदराबाद को इस मैच को जीतने के लिए। बेन कटिंग्स ने दूसरी गेंद डाली दीपक हुड्डा को, लेकिन बॉल वाइड हो गई और अब 5 गेंदों पे मात्र 4 रन चाहिए थे सनराइजर्स को। जब दूसरी गेंद डाली बेन कटिंग्स ने हुड्डा को, तो वहां पर रन नहीं मिल पाया और अब 4 गेंदों में मात्र 4 रन की आवश्यकता थी। तीसरी गेंद कटिंग्स ने हुड्डा को डाली और स्लो फुल टॉस पे हुड्डा ने शॉट खेलकर 1 रन ले लिया। चौथी गेंद बेन कटिंग्स ने स्टैनलेक को डाली, जो कि स्लोअर, जो कि पैड्स के ऊपर गेंद डाली, लेकिन वहां पर एक शॉट खेलकर स्टैनलेक ने रन ले लिया। मैच की सेकंड लास्ट गेंद और बेन कटिंग्स ने हुड्डा को गेंद डाली और हुड्डा ने बॉल को स्कूप कर दिया आसमान के ऊपर और जसप्रीत बुमराह दौड़ते हुए आए कि शायद बॉल कैच कर ले वो, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहे और हुड्डा एक सिंगल चुराने में कामयाब हो गए और अब स्कोर हो गए थे टाई। अब मैच की आखिरी गेंद डलने वाली थी, जो कि बेन कटिंग्स स्टैनलेक को डालने वाले थे। ज्यादातर फील्डर्स अब 30 मीटर के दायरे के अंदर थे ताकि वो सिंगल रोक सके। स्टैंटनर ने बेन कटिंग्स ने स्टैनलेक को गेंद डाली और उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर ये उठाकर शॉट खेल दिया और वहां पर एक चौका लगकर मुंबई इंडियंस सनराइजर्स हैदराबाद ने ये मैच 1 विकेट से जीत लिया। हालांकि अभी तक IPL में सिर्फ 7 ही मैचेस हुए हैं, लेकिन 7 में से 7 मैचेस एकदम लाइव वायर रहे हैं और इस मैच ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया।